आसनसोल स्टेशन रोड में बासुकीनाथ सेवा समिति और आरपीएफ के सहयोग से लगाया गया वाटर कूलर मशीन। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने नारियल फोड़कर वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया। वाटर कूलर मशीन लगने से गर्मी के इस मौसम में राहगीरों को मिलेगी सुविधा। आसनसोल स्टेशन रोड स्थित आरपीएफ वेलनेस सेंटर के पास बासुकीनाथ सेवा समिति और आरपीएफ के सहयोग से वाटर कूलर मशीन लगाई गई है। शुक्रवार को आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम परमानंद शर्मा ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा के साथ बासुकीनाथ सेवा समिति के सज्जन जालुका और समाज सेवी ओम प्रकाश बाजोरिया भी उपस्थित थे। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और आसमान से मानो आग बरस रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जा रहा है। ऐसे में यहाँ वाटर कूलर मशीन लगाए जाने से राहगीरों को सुविधा होगी और उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी आसानी से उपलब्ध होगा। डीआरएम परमानंद शर्मा ने भी बासुकीनाथ सेवा समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। बासुकीनाथ सेवा समिति के संरक्षक पवन गुटगुटिया ने बताया कि हम लोग पिछले 6 वर्षों से लगातार नर नारायण सेवा का कार्य कर रहे हैं। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। जहां भी जरूरत होगी वहां सेवा के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रेलवे के साथ मिलकर रानीगंज में भी जल्द ही नर नारायण सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का क्या है ना कि बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के तरफ से ये ठंडे पानी की मशीन का जो है उद्घाटन हमारे डीआरएम साहब जो है श्री परमानंद शर्मा जी ने किया है। उनके साथ उनके हमारे आरपीएफ के कमांडेंट भी थे चंद्रमोहन मिश्रा जी जो है। और चूंकि यहाँ पर ये जो नर नारायण की सेवा का कार्यक्रम जो है थ्रू ऑफ द ईयर चलता है, हमने 6 साल हमारा 7वां वर्ष चल रहा है और हमारी कोशिश यही है कि आज ठंडे पानी का मशीन हमने जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है, आने वाले समय में और भी तरह का कार्यक्रम जो भी होगा हम रेलवे के साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे। और हमने रेलवे के साथ ये भी बात किया है कि हम यही कार्यक्रम जो है ये नर नारायण सेवा का कार्यक्रम जो है रानीगंज में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। उसके लिए उन्होंने अपना विचार दिया है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह से मदद करेंगे। उनके आश्वासन पर जो है हम लोगों ने ये विचार किया और अभी हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम वर्धमान जिले में पहली बार आपके शहर रानीगंज में कल्याणी ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं शानदार लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज वाले कोमा के इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर, जहां आपको मिलेंगी जापानी टेक्नोलॉजी युक्त इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूशियर बाइक कोमा की रेंजर, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कोमा की TN95। यहाँ आपको मिलेगी बैंक लोन की सुविधा। हमारा मोटो है राइट कोमा की, गो इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। कल्याणी ऑटोमोबाइल्स, NH2 पंजाबी मोड, रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 7044743675।